अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी सारी दुआएं आपके लिए हैं, आप ही के लिए मेरी सारी दुआएं। और सुना, सबके घरों में खैर खरीत है? अल्लाह पाक खैर खरीत ही रखे और अल्लाह पाक आपको सेहत कामला अता फरमाए और आपके कारोबार में रिस्क में बरकत दे, गमों परेशानियों और टेंशनों से अल्लाह पाक सबको दूर करे। तो आमीन सुम आमीन। प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो कल भी लोग नहीं अपलोड कर सके, इसलिए कि कल रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तकरीबन सारी रात नींद नहीं आई, सर का दर्द बहुत शदीद था, जिस वजह से तकरीबन सारी रात बस करवटें लेती रही, दर्द इतना शदीद बढ़ गया कि एट लास्ट मैंने समी को तकरीबन 4:30 बजे उठाया। मैंने कहा मेरे दर्द को नहीं आराम आ रहा, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले जाएँ या करें। तो अल्लाह का शुक्र है, तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। सुबह 7 बजे आई हॉस्पिटल से, पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई हुआ हुआ था मेरा, तो जिस वजह से उन्होंने पहले गोली रखी ज़ुबान के नीचे, फिर रग में इंजेक्शन लगाया, उसके बाद फिर काफ़ी टाइम बाद दर्द गुर्दों में दर्द चला गया, इतना शदीद दर्द, इतना कि अभी भी देखें आपको आंखों से लग रहा होगा कि नींद नहीं पूरी हुई। तो अब सामान आज उठाना था, देखे सारा बिखरा पड़ा है, ये देखिए सारा, बस आज सारा टोटल सारा सामान उठा लेंगे। तो इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह पाक खैर खरीद करे, वो घर हमारे लिए नक्शी हो, अल्लाह पाक बेहतर करे, धरती को बख्तावार करे। तो चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं आज नाश्ते में क्या बनाने लगे हैं। तो नाश्ता किस चीज़ का करने लगे हैं तो मैं आपसे शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। मैंने कहा कि मैं सबसे पहले व्लॉग बनाऊँ, तो ये तो थोड़ी ख़राब थी, मैंने कहा व्लॉग बनाऊँ, सारी बात है मेरी फैमिली है, तो वो ये ना कहें कि किधर गायब हो गई है सोनिया। तो चलें जी किचन में देखते हैं कि नाश्ते में हम क्या बनाने लगे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, हाल हवाल ही बंदा पूछ लेता है। तो इंशाल्लाह चले देखते हैं किचन में आज हम क्या बनाने लगे हैं। ये देखें जी जनाब, अभी हमें नाश्ता पेड़े बना के रख रही हूँ, ये देखें नाश्ता बनाने लगी हूँ, चाय बन चुकी है। तो ये रात को हमने बनाया है, ये देखिए हमने बनाया मटर और कलेजी, तो ये सालन पड़ा हुआ था, तो बस मैंने कहा कि ये थोड़ा थोड़ा गुजारा कर लेते हैं। तो अभी बनाने लगी हूँ पराठे, क्या करूँ, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन बच्चों की खातिर फिर सारी बातें करना पड़ता है, उठ के कोई और ज़रिया और वसीला भी तो नहीं है कि बंदा, और ना इतना रेंज है कि सारी बात है, बड़ी इतनी फैमिली हो, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, खुद मियाँ बीवी हैं, बाहर से भी इस वक्त में कितना ला के बंदा पूरी करे। दूसरा ये कि मेरे बच्चे बाहर का नाश्ता इतने शौक से खाते भी नहीं हैं, घर का ही सालन रोटी और चाय ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो बाज़ार वाला नाश्ता इतना नहीं खाते ना। आप क्या तो का खाने वाला है? ये देखिए, तो अभी ये देखिए मैं बना रही हूँ पराठे, माशाल्लाह पराठे पसंद है, पराठे तो तकरीबन हर घर में बनते हैं। तो चले भी भाई पराठे बना के, तो मैं बच्चों को नाश्ता करवा के मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, फिर आपके साथ बने रहिएगा। तो अभी सामान भी उठाना है, तो मैं आपके साथ हर चीज़ आज की रोटी शेयर करूँगी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नाश्ते के बाद। चलें जी व्यूअर्स, अल्लाह खैर खैर करे। अभी तो हम गए हैं नए घर में आए हैं, तो सामान आपको पता है मैं लेके जा रही हूँ सारा, तो आज तकरीबन सारा आ चुका है सामान, तो आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कमरे खाली हैं क्योंकि मैं नए घर में हूँ। तो इंशाल्लाह मैं विज़िट आपको ज़रूर करवाऊँगी नए घर का। तो फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि हम नए घर में आए हैं, तो क्या नाम है, हर चीज़ जो है ना वो अपनी अपनी जगह पर रखने वाली है फिल वक्त। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बाहर, ये देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है दूसरे नंबर पे इस कमरे का, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस कमरे का भी अभी बेड सारा बिखरा पड़ा है। तो ये देखिए सोफ़ा वगैरह जो है ना, ये देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह साफ़ करेंगे, घर सारा साफ़ सुथरा करेंगे ना, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो अल्लाह खैर करे, खैर खैर दुआ करें बस अल्लाह पाक खैर खरीत से हमें।
दुआ करें अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमें अपने घर में रहना बहना सिख तौफीक अल्लाह पाक दे, जिसका है अल्लाह उसके नसीब करे, लेकिन चलो जो रहता है उसी का ही होता है ना। तो इंशाल्लाह मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बेहतर करें। आप यकीन करें सामान उठा उठा के भेड़ा गर्क हो गया, लेकिन यह कि फ़ायदा थोड़ा ये हुआ है कि जैसे जैसे मैं सामान उठाती गई हूँ साथ साथ आके इधर वैसे वैसे मैं सेट करती गई हूँ। अभी मोटा मोटा सामान इसलिए है कि अब ये बस बेड कसेंगे, ऊपर गद्दा और बेडशीट डाल देंगे, इजी। कपड़े शपड़े छोटी मोटी चीज़ें मैंने ना आराम सुकून से थोड़े थोड़े ला के ना सेट कर दिए, मुझे दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं। आप भी जब भी कभी कोई करा करें ना, तो जैसा जैसे जाया करें ना सामान वैसे वैसे साथ जा जा के ना थोड़ा सेट करती जाया करें। ख़ास करके सेफ अलमारी के कपड़े वगैरह गर्मी सर्दी के जो होते हैं ना, तो वो कपड़े वगैरह अलमारियाँ वगैरह साथ साथ सेट करते चाहे करें, फिर इतना खिलार नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और दूसरा ये कि अपने अपने ना जो जो कपड़े जिस जिस चीज़ में आप बांधती हैं ना शॉपर में या जिसमें, उस पर नाम लिख लिया करें। जैसे कि मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, तो मैंने अगर बड़ी बेटी के कपड़े डाले हैं ना जिस शॉपर में या बैग में, मैंने उसके ऊपर नाम लिख दिया, फिर जाके उसी अलमारी में उसी बैग को ही खोला, नीट एंड क्लीन, फटाफट 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में मेरी अलमारियाँ साफ़ होती गई हैं। तो अभी मुझे तकलीफ किसी चीज़ की नहीं हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इंशाल्लाह मैं कल ये छोटा मोटा होकर तकरीबन हमारी हो जाएगी फिर सारी छुट्टी, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपना घर का विज़िट करूँगी। घर माशाल्लाह बहुत प्यारा हमारा, वो भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको साथ ज़रूर 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 आपको विज़िट करूँगी। दुआ करें अल्लाह पाक हमारे ऊपर जी नक्शी करें, कारोबार में बरकत डालें, और अल्लाह पाक हमें रहने बहने की तौफीक अता फरमाएं। जी तो व्यूअर्स, करते हैं हम इस व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी प्यारी सुनिया को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखा करें और दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हर किसी को अपने अपने घरों में अमन सुकून और इत्मीनान से रहने की तौफीक अता फरमाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए व्लॉग में। अपनी प्यारी सुनिया को इजाज़त दें, दुआ में याद रखा करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे थोड़ा सा मशवरा दें कि साफ सफाई वो किस 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 ने घर की शिफ्टिंग कैसे की है, क्यों की है, कहाँ की है, तो मुझे भी बताएं ज़रा। मैं हमने तो इधर बस तकरीबन 2 गलियों का फासला, पहले जिधर रहते थे वो बाज़ार था, तो 2 गलियों का फासला तो हमने शिफ्ट कर लिया घर। तो इंशाल्लाह ये एक मानदारी है, घर भी साफ़ सुथरा नीट है। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं कल अपने प्यारे सुनने पर जाते जिन नए टॉपिक और नए ब्लॉग के साथ। गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।